हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विक्की क्रिएशन। मैं आपका अपना दोस्त विक्की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यू मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन के बारे में। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, फुल सस्पेंस है, और उससे भी ज़्यादा आपको इस मूवी के अंदर में थ्रिलर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके लीड रोल में आपको परिणीति चोपड़ा, अदिति राव एदरी और कृति कुलारी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, इस मूवी के अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की कहानी एक तलाकशुदा लड़की होती है दोस्तों, परिणीति चोपड़ा, मीरा कपूर, उसके ऊपर से शुरू होती है। दोस्तों, वो रोज़ लंदन में ट्रेन से सफ़र करती है और अपने काम के लिए जाती है, लेकिन वह ट्रेन उसके अपने पुराने घर से होते हुए जाती है। दोस्तों, अब इस घर में उसका पूर्व पति और उसकी नई बीवी और उसका बच्चा रहते हैं। दोस्तों, वे अक्सर परिणीति दोस्तों मीरा उसको अक्सर आते जाते हैं, उसको ट्रेन की खिड़की से उनको उस जोड़े को, उस कपल को हमेशा देखती है। दोस्तों, वह कल्पना करती है कि वह कितने मज़े से और सुख से रह रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एक दिन सफ़र के दौरान वह कुछ ऐसा देख लेती है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, वो इसके अंदर में एक ट्विस्ट है दोस्तों इस मूवी का, वो एक सस्पेंस है। इसके बाद दोस्तों पूरा रहस्य, पूरा रोमांच होता है, जो सस्पेंस होता है उसका किस्सा शुरू हो जाता है। दोस्तों, उससे पता चलता है कि उसका पूर्व पति की बीवी लापता हो गई है या मर्डर हो गया, जो कुछ भी हो गया है वो गायब हो गया है। दोस्तों, उसके बाद में पूरी पूरी कहानी ट्विस्ट ले लेती है। उसके आगे दोस्तों पूरा सस्पेंस है जो ज़बरदस्त है, एक्स थ्रिलर है, और इसमें जो कृति कुलाड़ी है दोस्तों वो एक पुलिस के रोल में है, वो उसके परिणीति मीरा के पीछे पड़ जाती है। उसके पीछे लगने के बाद दोस्तों उसके खिलाफ़ वो सबूत जुटाती है, मीरा को अरेस्ट भी करती है, पूछताछ भी करते हैं और उसको टॉर्चर भी कर देते हैं। दोस्तों, उसको एक बीमारी होती है जिसके चक्कर में वो अपनी पुरानी यादें जो भी होती हैं वो उसको भूल जाती है, और फिर वो सोचने लग जाती है कहीं कुछ मैंने तो कुछ नहीं कर दिया क्या। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए जो अपने फ्लैशबैक में जाते हैं, जाके वो कुछ याद करने की कोशिश करती है। कभी उसको याद आता है तो कभी नहीं आता है, लेकिन वो सोचती है कि मर्डर किसने कर दिया। वो बोलती है मैंने नहीं किया, लेकिन वो जब उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं तो कहीं उसने सोचती है कि कहीं मैंने तो नहीं कर दिया है। दोस्तों, पुलिस वाले उससे वो उगलवाने की कोशिश करते हैं, क्या वो बता पाएगी कि मर्डर किसने किया उस लड़की का, क्या उसने किया किसी और ने किया। ये इसके अंदर में सस्पेंस है, ज़बरदस्त थ्रिलर है दोस्तों, वन टाइम वॉच है, एक बार इस मूवी को आप आराम से देख सकते हो। दोस्तों, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है बहुत ही ज़बरदस्त है, स्क्रीन प्ले है वो मूवी की जान है, जो कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, वन टाइम वॉच मूवी है, एक बार आराम से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।